अच्छा ठीक है। हाँ चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दो नेम होते हैं इसके, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये होता क्या है देखो, हम लोग किसी भी, हमने दो तरह के पोटेंशियल अभी तक पढ़े, कौन कौन से, एक तो पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक पढ़ा है सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब एक हाफ सेल का पोटेंशियल होता है, और सेल पोटेंशियल होता है कंप्लीट सेल का पोटेंशियल। तो हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सेल पोटेंशियल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है। सेल पोटेंशियल क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ऐसा ही हमने पढ़ा है, बोलो। हाँ सर, बट हम लोग बोलते हैं हम किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हम लोग उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से वोल्टेज में डिफरेंस मेजर किया जा सकता है, ठीक है, बट पर हम लोग किसी, हाँ क्या बोल सर रहे एक हो, बार आपसे बता सकते हैं कैसे, वो मेरा नेट नेट का ये हो गया था, तो सुना नहीं ठीक से। देखो हम लोग किसी भी सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, हम लोग किसी भी सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, बट किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। कोई मुझे बोले कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर दो, या रिडक्शन हाफ सेल है, उसके इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर दो, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग किसी सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। सेल का पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस को हम मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर की हेल्प से, बट इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हम लोग बोले अगर मुझे इंडिविजुअल पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। लाइक जैसे हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल में हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा है, उसमें मैंने क्या बोला तुम्हें कि मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिफाइन नहीं कर सकता, तो मैंने वहां पर किसके रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाली थी, बताओ किसके रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाली थी, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकाली थी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 मान ली थी, और उसके रिस्पेक्ट में हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल ली थी। ऐसे ही हम लोग क्या कर यहाँ पर, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, क्योंकि आवाज वही सारा मेरा। सर ठीक है, तो मेरा बीच में शायद वॉइस आना बंद हो गया था, तो कहाँ तक बता दिया था मैंने तुम्हें?
सर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम दूसरे की वजह से देखते हैं, वो बता रहे थे आप। ठीक है तो देखो रुको एक सेकंड, मैं दो नेम से आ रहा हूँ अभी, दोनों को मर्ज हो जाने तो फिर आगे पढ़ाते हैं। ठीक है अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक गया होगा ना, सॉरी स्क्रीन शेयरिंग। हाँ सर। ठीक है हाँ, अब देखो मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ द एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, सो वी यूज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नेवर बी कैलकुलेटेड सो वी यूज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज reference electrode to determine electrode potential of other electrode। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने उसका खुद का पोटेंशियल जीरो मान लिया है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के इक्वल ही आ जाएगा। इसमें देखो एक दो पॉइंट लिख रहा हूं मैं नोट डाल के, क्या पॉइंट क्या है मेरे, पॉइंट नंबर वन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो एट ऑल टेम्परेचर। सारे टेम्परेचर पर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जीरो लेते हैं। सेकंड पॉइंट, एक्चुअली एसआरपी एंड एसओपी ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्चुअली देखो हम लोग इसका पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया है तो एसआरपी और एसओपी दोनों ही जीरो होगा ना, क्योंकि एक प्लस जीरो होगा तो एक माइनस जीरो होगा, मतलब एक्चुअल में वो है तो जीरो ही, तो एक्चुअल में इसका एसआरपी एसओपी जीरो नहीं होता है। बट अज्यूम्ड टू बी जीरो फॉर रेफरेंस, हमने रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो मेरा है उसका एसआरपी या एसओपी डेटा क्या ले लिया है, जीरो ले लिया है। ठीक है, एक्चुअल में जीरो नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता उससे हमें मतलब नहीं है, बट जीरो नहीं होता बट हमने रेफरेंस के लिए जीरो ले लिया है। ठीक है, तो कोई भी तुम्हें पूछे एसआरपी एसओपी वैल्यू इसका कितना है तो बोलेंगे हम लोग जीरो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन of standard hydrogen electrode, SHE का construction हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो इसका construction important है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें देखो होता क्या है, एक वही कंटेनर होता है,
कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन फिल है किसका, H प्लस का, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना इसलिए। इसके अंदर क्या है, H प्लस का एक्वस सॉल्यूशन फिल है, कितना 1m का, स्टैंडर्ड है इसलिए 1m ले रहे हैं ना। और एक हमारे पास इसमें एक ट्यूब होता है, ट्यूब का शेप कैसा होता है, ट्यूब का शेप कुछ ऐसा होता है, मैं बना देता हूं। ऐसी दिखती है एक ट्यूब, जिसमें हम लोग यहां से क्या डालेंगे, इसमें H2 गैस। अब यहां पर गैस है ना, H2 गैस डालेंगे, प्रेशर होगा 1 bar, स्टैंडर्ड है इसलिए 1 bar प्रेशर ले रहे हैं, H2 गैस डाला है 1 bar प्रेशर पर। अब देखो गैस है ये और अंदर एक सॉल्यूशन है, तो हमको तो एक इलेक्ट्रोड तो चाहिए ना, जैसे Cl2 गैस होती तो एक इलेक्ट्रोड तो चाहिए, तो हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, किसका, प्लेटिनम का। तो हम लोग बीच में एक थिन शीट ऑफ प्लेटिनम लगा देते हैं, तो बीच में एक थिन शीट ऑफ प्लेटिनम लगा देता हूँ, ऐसा यहाँ पर मैंने लगा दिया ये। यहाँ पर क्या है, थिन शीट ऑफ प्लेटिनम मैंने बीच में लगा दिया है, और इसको ऊपर ऐसे ये वायर से कनेक्टेड है, जहां भी कैथोड एनोड जिस भी वायर से कनेक्ट होगी हो जाएगी। ये क्या है, ये मेरा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये क्या है, ये एक्चुअल में थिन शीट ऑफ प्लेटिनम, थिन शीट ऑफ PET, ऐसा कुछ होता है मेरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस होती है और अंदर जो एक इलेक्ट्रोड भी चाहिए होता है हमें, तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे ये बात लिख भी देता हूं, क्या मैं लिख देता हूं, इनर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट टेक पार्ट इन सेल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, सिंपल है ये भी। अगर मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है, एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उसके सामने दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है, उसके सामने दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसकी तरह वर्क कर रहा है। तो इसमें मैं फर्स्ट कंडीशन लगाता हूँ, क्या फर्स्ट कंडीशन में लगाता हूँ कि मान लीजिए इफ इट वर्क एज कैथोड, मतलब मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह वर्क कर रहा है, कैथोड की तरह। अगर ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, रिडक्शन। बोलो, रिडक्शन होगा। चलिए तो रिएक्शन कैसी होगी, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, रिएक्शन में ऐसा लिख देता हूँ, 2H+ + 2 electron gives H2 गैस। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर 2H+ एक्वा से, रिडक्शन हो रहा है, बोलो। हाँ सर,
सर तो इसका इसका जो ई नॉट सेल आएगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, ई नॉट एच प्लस एक्वस से एच टू गैस, जो कि एक्चुअल में क्या है, एस आर पी है, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है ये एस आर पी, इसका जीरो 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 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सेल सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में तो होगा सॉल्ट ब्रिज, और इधर जो भी एनोड है उसका रिएक्शन वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे नहीं पता एनोड कौन है, कैथोड कौन है, कैथोड तो मुझे पता है कौन है, कैथोड है मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वो कैसे लिखूंगा, रिडक्शन हो रहा है तो पहले एच प्लस, वो क्या है एक्वस, और जो इसका कॉन्सेंट्रेशन वन है, फिर वो किस में जा रहा है एच टू गैस में, उसका प्रेशर कितना है वन बार, और देखो अगर कहीं पर भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आता है तो उसको हमेशा टर्मिनल पर लिखते हैं, या तो राइट टर्मिनल या लेफ्ट टर्मिनल, राइट टर्मिनल पे तब लिखेंगे जब वो कैथोड में हो, लेफ्ट टर्मिनल में तब लिखेंगे जब वो एनोड पर हो, तो यस यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड है कौन, प्लेटिनम, तो पीटी सॉलिड यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर। सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या है, इफ इट वर्क एज एनोड, अगर ये एनोड की तरह वर्क करे तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, एच टू गैस होगा वो कन्वर्ट हो रहा है टू एच प्लस एक्वस में, ऑक्सीडेशन हो रहा है प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ऐसा कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं ई नॉट सेल लिखूं तो ई नॉट सेल क्या होगा, एच टू गैस जो किसमें जा रहा है एच प्लस एक्वस में, मतलब एक्चुअल में क्या है वो एस ओ पी, इसका वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो, जीरो के इक्वल, ठीक है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका, उसको मैं लिख देता हूँ कि बीच में तो सॉल्ट ब्रिज बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर होगा कैथोड, जो क्या है वो मुझे पता नहीं, बट एनोड कौन है, H2 गैस, एनोड कौन, एनोड मेरा H2 गैस है ना, तो देखो H2 गैस का क्या हो रहा है, एच टू गैस का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऐसे लिखेंगे H2 गैस है जो ऑक्सीडाइज हो रही है किसमें, अच्छा ऐसा नहीं लिखेंगे आप, थोड़ा पूरा लिखते हैं, H2 गैस है जिसका प्रेशर वन बार था और वो ऑक्सीडाइज हो रही है किसमें, H+ एक्वस में, तो प्लैटिनम, प्लैटिनम हम लोग लिखेंगे, प्लैटिनम टर्मिनल पे लिखा जाएगा, मैंने बताया था इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं तो टर्मिनल पे लिखते हैं, इधर राइट टर्मिनल और लेफ्ट टर्मिनल, अगर एनोड में है तो लेफ्ट टर्मिनल और कैथोड में तो राइट टर्मिनल, ठीक है समझ आया लिखने का तरीका। हाँ सर। ये हमने कैथोड और एनोड की तरह भी इसको लिख दिया, ये पूरा हमारा बात हुआ किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे जेई मेंस में तो स्पेशली हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ साइड में, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है ये तो हमें एकदम रट लेनी है, बिल्कुल याद होनी चाहिए टिप्स पे। इसमें होता क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी जितने भी इलेक्ट्रोड है अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सभी का हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ क्या, इफ इस सीरीज के अंदर है क्या, क्या होती है सीरीज उसके बारे में लिख रहा हूँ, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने देखो सारी चीज रिडक्शन के टर्म में ही पढ़ रहे हैं, इस सेल का फॉर्मूला भी रिडक्शन के टर्म में लिखा था, इसलिए भी रिडक्शन के टर्म में, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स इज मेजर्ड with reference electrode
हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही मेजर कर पाएंगे इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इतनी बात समझते हो? हाँ सर। एंड देन अरेंज्ड एंड देन अरेंज्ड इन अ सीरीज, अरेंज कैसे करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, एंड अरेंज्ड एंड देन अरेंज्ड इन अ सीरीज देन सच सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम लोग क्या जितने भी पॉपुलर इलेक्ट्रोड्स हैं ना जो हमें याद रखने हैं उनके बारे में मैं लिख दूंगा, ठीक है? तो क्या हमें सभी का एसआरपी डेटा रटना है, सभी का स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल का डेटा रटना है? नहीं, सभी का नहीं रटना। एक दो जो मैं मार्क कर दूंगा उनका बस याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना चाहिए। एक दो ही मार्क करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है? तीन ही मार्क करूंगा एक्चुअल में। तो हमें बस उनका एक ऑर्डर याद रखना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जैसे मान लो मैं तुम्हें दो रैंडम इलेक्ट्रोड की बात करता हूं, एक मेरा एक्स इलेक्ट्रोड है, एक मेरा वाई इलेक्ट्रोड है, ठीक है? एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल 10 वोल्ट है, एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल 10 वोल्ट है प्लस में। तो तुम मुझे बताओ एक्स के रिड्यूस होने की टेंडेंसी स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, पहले तो ये बताओ। स्पॉन्टेनियस। क्यों है स्पॉन्टेनियस सर? क्योंकि बैटरी एनर्जी लूज करे। अरे भाई ये कौन सा लॉजिक दे रहे हो, ऐसा तो मैंने कभी कुछ बात ही नहीं करी, बैटरी एनर्जी लूज करेगी देगी ये सब तरह की बातें मैंने कभी नहीं करी है। देखो मैंने तुम्हें बोला था एक एक्स मेरा इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी स्पॉन्टेनियस है या नहीं? उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, मतलब उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या है बोलो? स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है। अब मैं कंपेरिजन करता हूं, एक मेरा एक्स इलेक्ट्रोड है, एक मेरा वाई इलेक्ट्रोड है। एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल है 10 वोल्ट, वाई का रिडक्शन पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? वाई के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसलिए अगर मैं बोलता हूं एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्स का रिडक्शन पोटेंशियल है 5 वोल्ट और वाई का रिडक्शन पोटेंशियल है -3 वोल्ट, तो किसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? वाई की। क्यों? नेगेटिव में वो नेगेटिव में, ठीक है? तो देखो पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे ही इस तरह के दो तीन क्वेश्चन से थोड़े तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है? तो रिडक्शन पोटेंशियल में हमको कुछ नहीं करना, हमें ना कंप्लीटली याद रखना है सब कुछ और उसको एक ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है? और रिडक्शन की फॉर्म में ही मैं लिख रहा हूँ, है ना, रिडक्शन की फॉर्म में ही मैं लिख रहा हूँ। जैसे इधर तो मैं लिख देता हूँ जो भी मेरा इलेक्ट्रोड है वो, और इधर मैं लिख रहा हूं उसका एसआरपी डेटा, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? अब बीच में एक हम लोग लाइन खींच देते हैं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं ना, देखो सबसे पहले एसआरपी डेटा लिख रहे हैं ना, सबसे पहले मैं लिथियम से शुरू करता हूँ। लिथियम प्लस, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम, एक सेकेंड रुको यार, इसे तो सीरीज में मेरे को गड़बड़ सी लग रही है।
नहीं ठीक है। ये एकदम बिल्कुल लाइन से हमें पूरी रटी होनी चाहिए। अगर ये पूरी हमें रटी है ना तो समझ लो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा पक्का सही हो जाएगा जी मेंस में। इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। यहाँ पर H प्लस आ गया रेफरेंस। तो देखो सभी रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब जैसे लिथियम रिड्यूस होगा तो किसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Li में चला जाएगा। ऐसे पोटेशियम किसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और K में चला जाएगा। कैल्शियम किसमें होगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और कैल्शियम में चला जाएगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम में चला जाएगा। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लेगा और एमजी में चला जाएगा। एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्यूमिनियम में चला जाएगा। H2O कैसे रिड्यूस होता है, H2O रिड्यूस होके H2 गैस देता है प्लस OH माइनस, है ना, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही जिंक दो इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक में चला जाएगा। क्रोमियम तीन इलेक्ट्रॉन लेगा और क्रोमियम में चला जाएगा। Fe दो इलेक्ट्रॉन लेगा, Fe दो इलेक्ट्रॉन लेगा और Fe में चला जाएगा। निकल दो इलेक्ट्रॉन लेगा और निकल में चला जाएगा। रिड्यूस हो रहे हैं सारे, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। ये लेगा दो इलेक्ट्रॉन और टिन में चला जाएगा। लेड दो इलेक्ट्रॉन लेगा और लेड बना देगा। ऐसे ही एच प्लस रिड्यूस हो गए, क्या बनाएगा, एच प्लस है एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो डेटा है, पहला वाला डेटा मैं लिख रहा हूँ, लिथियम का डेटा होता है माइनस में 3.08 वोल्ट। और हाइड्रोजन मेरा स्टैंडर्ड है, हाइड्रोजन मेरा स्टैंडर्ड जिसका डेटा हमने कितना माना था, जीरो 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये यहां तक सारे के सारे डेटा क्या है, सारे डेटा नेगेटिव है। ठीक है, सारे के सारे डेटा क्या है, टू इलेक्ट्रॉन होगा ना, किसमें, टू एच प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अरे ठीक है यार, H प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो हाफ H2 गैस हो गया ना, वो बैलेंस नहीं कर रहा, मैंने पहले ही बताया था। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद रखने हैं कि H प्लस रिड्यूस होकर H2 गैस बनाएगा, ये हमारा मुद्दा है मेन। बैलेंस बैलेंस नहीं कर रहे अभी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, एसआरपी का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एसआरपी का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो लोगों के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब सारे जीरो तक का मैंने लिख दिया। अब पॉजिटिव वाले लोगों की भी बात करी जाए थोड़ी, है ना, तो थोड़ा पॉजिटिव वाले लोगों की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इस लाइन को। पॉजिटिव वाले लोगों को मैं थोड़े अलग पेन से लिख देता हूँ ना, ग्रीन से लिख देता हूँ ताकि अलग से दिख जाए वो कि ये पॉजिटिव वाले लोग हैं। पॉजिटिव में कौन कौन है, जैसे फर्स्ट मैंने लिखा AgCl, AgBr, कॉपर 2+, कॉपर प्लस, I2, Ag+, Hg2+, Br2, MnO2। देखो जो है ना एनसीईआरटी में लिखा है ना सीरीज में, मैं बस वही लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज चीजें तो बहुत सारी आ सकती है इसके अंदर, बट हम लोग कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। बस सबसे लास्ट में मैंने क्या लिख दिया है, सबसे लास्ट में मैंने F2 तक लिख दिया है कि भाई हम लोग F2 तक जा रहे हैं। चलिए अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं एक बार। AgBr या AgCl होगा, ये लोग क्या करेंगे, उल्टा लिख दिया है मैंने AgBr AgCl को, ऊपर AgBr आएगा नीचे AgCl आएगा, है ना। AgBr क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएगा Ag सॉलिड में और Br माइनस में। सेम ऐसा ही AgCl भी करेगा, Ag सॉलिड में चला जाएगा और Cl माइनस में। प्रोडक्ट भी याद रखे तो बेटर है, नहीं रखे तो भी चलेगा। अब देखो इसमें कुछ कुछ के प्रोडक्ट ही थोड़े अजीब गरीब से, जैसे कॉपर 2+ रिड्यूस होके क्या बनाएगा, ये तो तुम्हें सभी को दिख रहा होगा, कॉपर, कॉपर प्लस भी रिड्यूस होके कॉपर,
ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, आई टू रिड्यूस होकर क्या बना सकता है बताओ? आई टू रिड्यूस होके क्या बना सकता है? बोलो बोलो, आयोडीन जीरो में रिड्यूस होकर क्या बना सकता है? I माइनस बना सकता है। मैं इलेक्ट्रॉन वाला बैलेंस नहीं कर रहा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिख रहा हूँ। ऐसे ही Ag प्लस रिड्यूस होकर Ag, Hg2 प्लस रिड्यूस होकर Hg2 2 प्लस, Br2 रिड्यूस होकर Br माइनस, MnO2 रिड्यूस होकर बनाता है Mn2 प्लस, Cr2O7 2 माइनस रिड्यूस होकर बनाता है Cr3 प्लस, ये भी Mn2 प्लस बनाता है, H2O2 रिड्यूस होकर H2O बनाता है, F2 रिड्यूस होकर F माइनस। अब देखो इस पूरी सीरीज में जो याद रखने वाले प्रोडक्ट है कि हाँ ये थोड़े से ऑड है, इनको याद रखना चाहिए, वो क्या है? एक तो ये है, ये थोड़ा ऑड है, बाकी तो सभी में देखो सिंपल है। एक ऑड है ये दो लोग, इसके अलावा एक ऑड है ये वाला, इसके अलावा ये सारे ऑड है, इनके प्रोडक्ट हमें याद होने चाहिए। जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है, थोड़े ऑड है। अभी नीचे वाले सभी का डेटा पॉजिटिव है, ठीक है? ये तो जीरो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर जीरो आ ही गया था। नीचे वाले सभी का डेटा पॉजिटिव है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है लास्ट में फ्लोरीन का 2.87 वोल्ट। बाकी सभी का डेटा यहां से लेकर यहां तक का डेटा सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो इसमें भी ऊपर से नीचे जाने पर एस आर पी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। पहले नेगेटिव से जीरो हुआ, अब जीरो से बढ़ गया है, पहले नेगेटिव से जीरो हुआ है और अब जीरो से बढ़ के पॉजिटिव में चला गया है, ठीक है? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें भी हम लोग बोल रहे हैं एस आर पी बढ़ रहा है ना। तो ओवरऑल पूरे सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर एस आर पी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ठीक है, चलो अब देखो पहला ये काम तो ये है कि ये सीरीज हमें पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। चाहे तुम कुछ भी करो, कैसे भी याद करो, मुझे उससे मतलब नहीं। अगर ये तुम्हें सीरीज याद नहीं है ना, तो समझ लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी कभी लोग डेटा देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें याद होना चाहिए, तो हमें सीरीज याद होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं इस सीरीज का एप्लीकेशन क्या है, हम लोग कहाँ इस सीरीज को यूज कर सकते हैं, कैसे हमारे काम आने वाली है ये सीरीज, तो उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ जो एनसीईआरटी में जो सीरीज दी है ना, वो उल्टी दी है, मतलब नीचे से ऊपर वाली दी है, मतलब ऊपर उन्होंने सबसे पहले F2 को रखा है और सबसे नीचे Li प्लस को रखा है। एनसीईआरटी में सीरीज उल्टे दी है, एनसीईआरटी वाले बोलते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी कम होता है, क्योंकि उसने सीरीज को ऊपर से नीचे लिखा है, मैंने नीचे से ऊपर लिख दिया है, बात वही है, कुछ नहीं है। उन्होंने सीरीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मैंने सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में, कि इनका एप्लीकेशन क्या है, काम कैसे आएगी हमारे ये सीरीज, तो हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन से पहले मैं एक दो तुम्हारे को फंडे सिखाने वाला था, वो तो सिखा दूं, ये तो मैं भूल ही गया। चलो हाँ, तो मैं ना नोट डाल के एक दो उल्टे सीधे तरीके सिखाता हूँ तुम्हें ना, वो मतलब क्या बोलते हैं, जुगाड़ मेथड है या फिर कॉन्सेप्ट वाइज कैसे भी मान लो, बट वो आने चाहिए। नोट डाल के मैं बताता हूँ तुम्हें ना, क्वेश्चन की फॉर्म में ही बताऊंगा। जैसे मान लो तुम्हारे को दो रिएक्शन दिया है ना, तुम्हारे को दो रिएक्शन दिया है, मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड ए बी सी, इनके टर्म में लिखूंगा रैंडम, है ना। किसी पर्टिकुलर मेटल है या किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को हम लोग नहीं लेंगे। ऐसे मान लो तुम्हारे को एक रिएक्शन तो ये दिया है कि X प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर X में कन्वर्ट हो जाता है, अब फर्स्ट पॉइंट है नोट का, और एक रिएक्शन दिया है Y प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर Y में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए जो E नॉट दिया है इस रिएक्शन के लिए, वो E नॉट दिया है मान लो 5 वोल्ट, इस रिएक्शन के लिए E नॉट मान लो दिया है 7 वोल्ट। तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन टेंडेंसी किसकी ज्यादा अच्छी है, रिडक्शन टेंडेंसी वाई की,
रिडक्शन टेंडेंसी वाई की ज्यादा है एक्स से, क्यों? क्योंकि वाई का ई नॉट ज्यादा है, मतलब जितना ज्यादा ई नॉट उसके रिएक्शन में फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा, ठीक है, रिडक्शन टेंडेंसी है। अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा अच्छी है, वैसे तो दोनों की ही बेकार है बट दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा अच्छी है? एक्स की, एक्स की, एक्स की। अगर उसकी रिडक्शन ज्यादा अच्छी है तो ऑब्वियसली एक्स की ऑक्सीडेशन ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्स है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो सामने वाले को रिड्यूस करे या ऑक्सीडाइज करे? सामने वाले को रिड्यूस करे। रिड्यूसिंग एजेंट देखो मैंने पहले भी तुम्हें क्लास में बताया होगा कभी, एजेंट का मतलब वो होता है जो सामने वाले का कुछ करे। जैसे मान लो वो LIC एजेंट होते हैं, तो LIC एजेंट वो होते हैं ना जो दूसरों की LIC करे, खुद का LIC थोड़ी करते हैं। सेम वैसा ही रिड्यूसिंग एजेंट जो सामने वाले को रिड्यूस करे, तो खुद को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। तो इनमें से अच्छी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी किसकी है? एक्स। एक्स। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? एक्स। और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, मतलब खुद को रिड्यूस करे, तो खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है? वाई की। तो वाई हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे इन दोनों को मिलाकर एक सेल बनाना है, सपोज करो एक मुझे इन दोनों को मिलाकर एक सेल बनाना है, एक एक्स इलेक्ट्रोड को लेकर एक वाई इलेक्ट्रोड को लेकर, तो दोनों में से मैं किसको एनोड पर रखूंगा और किसको कैथोड पर रखूंगा ताकि मेरा सेल काम करे? कैथोड पर वाई। कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन। और रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर अच्छे से? वाई। तो कैथोड पर वाई को रख दो, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन अच्छा है किसका हो रहा है? एक्स का। तो एनोड पर एक्स को रख दो, ठीक है। तो देखो हमें अब ऐसा होगा, जनरली क्वेश्चन में कोई बताया नहीं जाएगा कौन एनोड पर है कौन कैथोड पर है, हमें ई नॉट या ई के डेटा से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसको कैथोड पर रखना है किसको एनोड पर रखना है। तो जो अच्छा रिड्यूसिंग है, जिसकी अच्छी रिडक्शन की टेंडेंसी है उसको कैथोड पर रख दो, जिसकी अच्छी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है उसको एनोड पर रख दो। समझ गए कहानी? हाँ सर। ठीक है चलो अब हम लोग बात करते हैं। ये मैंने जो भी फंडा हो सकता था सारे फंडे तुम्हें सिखा दिए कि ऐसे 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 काम करना है। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें देखो कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, वो वापस वही पॉइंट है बट एक बार मैं लिखवा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, पॉइंट सारे वही है तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं अलग से इनको हाईलाइट करके लिख देता हूँ ना, सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स है तो सभी को मैं अलग से हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। क्या? फर्स्ट पॉइंट, एज वी मूव डाउन, एज वी मूव डाउन द सीरीज, एसआरपी वैल्यू इंक्रीजेस। इतनी बात समझ आती है? एज वी मूव डाउन द सीरीज एसआरपी वैल्यू इंक्रीजेस, एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही है ना, रिडक्शन का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इतना समझ आता है सर? हाँ सर। हाँ सर। रुको एक सेकंड। आ
सेकंड पॉइंट, हायर हायर द एसआरपी वैल्यू, हायर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस और हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर. इतना मैं बोल सकता हूं. हायर द एसआरपी वैल्यू, हायर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस और हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर. जितनी ज्यादा एसआरपी वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब सामने वाले को उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज करने की पावर होगी. बोल सकता हूं ऐसा? हां सर. नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलर द एसआरपी वैल्यू, उल्टा ही बात लिख रहा हूं मैं इसकी, स्मॉलर द एसआरपी वैल्यू, हायर इज द टेंडेंसी to get oxidized or higher is the, क्या बोलेंगे, reducing power. तो देखो सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसमें बहुत कुछ अलग नहीं पढ़ा है हमने, बस इतना सा फंडा है. ऊपर से नीचे जा रहे हैं सीरीज में, तो क्या हो रहा है, एसआरपी का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब एसआरपी का वैल्यू ज्यादा तो रिडक्शन होने की, खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा तो सामने वाले को उतना ही ऑक्सीडाइज कर देगा. समझ गए? हाँ सर. अब एक क्वेश्चन देता हूं, अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं मान लूंगा तुम समझ गए. अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये वाला तो इजी है, इसके नेक्स्ट वाला करके बताना ना, ये तो इजी है. क्या, विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग, विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना. क्या है, हमको एक तो ये दे रखा है, ई नॉट एमएन टू प्लस से एमएन फोर माइनस में जा रहे हैं, तो माइनस में 1.51 वोल्ट है. और एक दे रखा है ई नॉट सी आर थ्री प्लस से सी आर टू ओ सेवन टू माइनस में जा रहे हैं, तो माइनस में 1.4 वोल्ट. तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सेकंड वाला. नाम बताना है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला नहीं. चार लोग है तुम्हारे पास, एम एन टू प्लस एम एन ओ फोर माइनस सी आर थ्री प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस, नाम बताना है कौन होगा. सबसे ज्यादा एम एन ओ फोर माइनस का होगा. क्यों होगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी करो. सर क्योंकि हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो 1.5 आ जाएगा. और वो सबसे ज्यादा है पॉजिटिव में, तो वो सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है. देखो करना कैसे क्वेश्चन को, हमें जो डेटा दिख रहा है सभी को, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा गिवन है. ठीक है, दिख रहा है सभी को? हाँ सर. तो हम लोग क्या करें, पहले तो इनको रिड्यूसिंग डेटा में कन्वर्ट कर लें एक बार, चाहे तो ऑक्सीडेशन वाले से भी मैं आंसर कहानी. हाँ सर. हाँ सर. चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज एसआरपी ऑफ सम
हाफ सेल्स आर गिवन बिलो. कुछ हाफ सेल का एस आर पी गिवन है हमको. कौन कौन से का? एक दे रखा है ई नॉट पी बी ओ टू से पी बी टू प्लस का. एक दे रखा है ई नॉट सी ई प्लस फोर से सी ई प्लस थ्री का. अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें समझ आ गया फंडा. ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं हर साल करवाता हूँ बच्चों को. लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड में बता देता हूँ, लास्ट ईयर ट्वेल्थ वाले बच्चों को ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था. उन्होंने इन क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर करेक्ट नहीं दिया था. इस क्वेश्चन के टोटल चार पार्ट है, चारों पार्ट का आंसर दे दोगे तो मैं मान लूंगा तुमसे हो गया. जो लोग अभी आए हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा रिपीटर बैच में संकेत वगैरह जो जिन्होंने हाईएस्ट परसेंटाइल बनाए हैं 99.65 वैसे है ना. हाँ सर. उन लोगों को भी मैंने लास्ट टाइम ये सेम क्वेश्चन करवाया था, उनसे भी नहीं हुआ था ना. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. अगर तुमसे हो गया तो मान लो तुम समझ गए फंडा क्या है. क्वेश्चन है विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. चारों का आंसर करेक्ट देना है ना. सेकंड है विच वन इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. थर्ड है विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. फोर्थ है विच वन इज अ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. बताओ, आराम से सोचो और बताओ मुझे क्या आंसर होगा. Yeah.
आदित्य तुमने आंसर दिए हैं क्या? हाँ सर। हाँ आंसर तुम्हारा चार आंसर में से एक करेक्ट है सिर्फ, ओनली वन। बताओ भाई कोई है जो चारों करेक्ट बता दे? दिमाग लगाओ थोड़ा, सोचो। सर एक बार मेरा आंसर देखिए ना, तेरा करेक्ट है क्या? तेरा भी देखें। अरे तो तूने भी तो सेम ही लिखा है, कुछ अलग थोड़ी लिख दिया। एक आंसर आगे पीछे नहीं, तेरा भी सिर्फ एक सही है। एक नहीं तेरे दो सही है, दो। दो सही है सिर्फ तेरे। बाकी लोग भाई बोलो, बताओ भाई। मैं करूँ क्या सॉल्व? नहीं सर कर रहे। करो करो। सर हाँ बोलो सर, वो जो PbO2 वाला है सर, वो वीकेस्ट हाँ ऐसा लिख के बताना, लिख के बता दे तू मेरे को। चारों के आंसर लिख दे, जल्दी लिख दो फिर, अदरवाइज नहीं तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। दो लोगों ने लिखा है आंसर। देखो नील, नील ने आंसर लिखा है अपना। नील का आंसर रॉन्ग है, सिर्फ नील का भी रॉन्ग है। आदित्य वापस रॉन्ग है तुम्हारा आंसर। मधुकरण, यस मधुकरण तुम्हारे चारों आंसर करेक्ट है। मधुकरण के चारों आंसर करेक्ट है भाई। मधुकरण एक्सप्लेन कर कैसे किया।
सर उसमें फोर्थ सेल में सर H2O2 ऑक्सीडाइज होके H2 बना रहा है, H2O बना रहा है सर, क्योंकि H2O2 में सर वो परऑक्साइड आयन का है ना, तो फिर रिड्यूस होके H2O2 से वो H2O2 से H2 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, रिड्यूस हो रहा है। हाँ सर वो रिड्यूस जा रहा है, रिड्यूस, इसलिए उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। हाँ ठीक है, फिर आगे सभी को एक्सप्लेन करना है तेरे को। तो सर इसमें हमने देखा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो PbO2 का कम है, तो इसलिए हाँ बोल सही बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम है। ठीक है, फिर सर अगर हम इसका नेगेटिव लगा देंगे सर, तो फिर Pb2+ से वो PbO2 बनेगा रिड्यूस होके। हाँ तो इन सब में अगर नेगेटिव लगाएंगे तो सर PbO2 का ज्यादा आ रहा है, -1.455 रिडक्शन वैल्यू। ठीक है, देखो इसने सही बोला है। अब देखो हमको जो गिवन है सॉल्यूशन देखो क्या है, जो हमको गिवन है वो क्या गिवन है, हमको SRP गिवन है, सभी के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो इन सभी में सबसे जो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है वो कौन सा है, 1.71। ठीक है, और जो लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है वो कौन सा है, लोवेस्ट SRP वो है 1.455। मतलब H2O2 से H2O का जाना तो सबसे इजी टास्क है इन चारों में, और PbO2 से Pb2+ में जाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है इन चारों में। ठीक है, तो हम लोग बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें अगर हम लोग इसमें, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को सबसे ज्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज कर पाए, जो खुद इजीली रिड्यूस हो जाए, मतलब H2O2। और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके लिए खुद को रिड्यूस होना सबसे मुश्किल है, तभी तो सबसे मुश्किल से सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो सबसे मुश्किल रिड्यूस होना किसका है, PbO2 का। तो हम बोलेंगे PbO2 मेरा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अगर अब मैं इन सब वैल्यू को SRP की बजाय SOP में कन्वर्ट कर दूं, तो हाईएस्ट SOP किसका होगा, -1.455 उल्टा हो जाएगा, और लोवेस्ट SOP किसका होगा, ऑब्वियसली इसका SRP हाईएस्ट है, उसका SOP लोवेस्ट होगा। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन तो किसी का भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि सभी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, बट हमें तो एक्चुअल में चारों में कंपेरिजन ही करना है। तो अगर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखे हैं तो H2O किस में कन्वर्ट होगा, H2O2 में, और Pb2+ किस में कन्वर्ट होगा, PbO2 में, और H2O किस में कन्वर्ट होगा, H2O2 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की, देन हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉरी अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, दिमाग कहाँ चल रहा है मेरा, देन हम लोग बात करेंगे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इनमें आसानी से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, Pb2+, यस, तो Pb2+ स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, और H2O वीकेस्ट हो गया। तो सभी लोगों ने ये वाला आंसर H2O O2 वाला और H2O वाला आंसर तो करेक्ट दिया था, सेकेंड और थर्ड का आंसर ही मोस्टली लोगों का गलत था, फर्स्ट और थर्ड फोर्थ का आंसर तो तुमने सही दिया, फर्स्ट एंड फोर्थ का आंसर तो तुम लोगों ने सही दिया, बट सेकेंड और थर्ड में ही तुम लोग कंफ्यूज हो गए। अब समझ में आया कैसे करना है, ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं नोट डाल के एक बात लिखवाता हूँ ना, अच्छी बात है वो भी। क्या है? हाँ, नोट डाल के लिख रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं क्या, इफ अ सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय If a cell is constructed by using two half cell electrode, ठीक है, obviously दो half cell electrode से हमारा cell construct होगा, then for spontaneous working of cell, हमारा सेल स्पॉन्टेनियस वर्किंग करे, उसके लिए हमारा ई नॉट सेल या ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। एक्चुअल में ई नॉट सेल नहीं, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस वर्किंग के लिए। तो उसके लिए हम लोग एनोड और कैथोड को कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि हमारा एनोड कैसा होना चाहिए, हमारा कैथोड कैसा होना चाहिए। तो एनोड कैसा होना चाहिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोड विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ एसआरपी, या फिर मैं लिख सकता हूं इट मींस इलेक्ट्रोड which is up in the series act as anode। इस बात का मतलब समझ आया कि मैंने क्या लिखा, कि जैसे मान लो मैंने ऊपर ये लिखवाया भी था यहां पर नोट डाल के, कि एक तो मैंने x का लिखा था SRP और एक मैंने y का लिखा था SRP, दोनों में से लोअर SRP किसका है, एक्स का लोअर है, तो देख लो मैंने एक्स को एनोड की तरह यूज किया है, समझ रहे हो बात को? तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड दे रखे हो, तो उनका एसआरपी पहले निकाल लो, और जिसका एसआरपी कम हो उसको लेना है किसकी तरह, एनोड की तरह। क्यों? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और एसआरपी कम होने का मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा हो गई। तो इसका अपोजिट कैथोड के लिए मैं बोल दूंगा, कैथोड किसको लूंगा, हायर वैल्यू ऑफ एसआरपी, इलेक्ट्रोड विच हैव हायर वैल्यू ऑफ एसआरपी, हायर वैल्यू ऑफ एसआरपी देन एनोड, है ना, हायर मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं ना दो इलेक्ट्रोड में, तो एनोड से ज्यादा होनी चाहिए एसआरपी वैल्यू, और विच इज लोअर इन द सीरीज, जो सीरीज में नीचे हो उसको हम लोग, नीचे मतलब किससे नीचे, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है उससे नीचे हम ना, इन द सीरीज देन एनोड, लोअर इन द सीरीज देन एनोड, ठीक है, तो वो एक कैथोड होगा। अब मान लो मैं सीरीज तुम्हें दिखाता हूं, मैंने सीरीज में दो इलेक्ट्रोड लिए, सपोज करो एक इलेक्ट्रोड मैंने जिंक का लिया, एक इलेक्ट्रोड निकल का लिया, तो कौन एनोड है कौन कैथोड है, जिंक एनोड है और निकल कैथोड, जिंक एनोड है, जो सीरीज में ऊपर है वो एनोड है, जो सीरीज में नीचे है वो कैथोड है, या फिर जिसका एसआरपी कम है वो एनोड है, जिसका एसआरपी ज्यादा है वो कैथोड है, समझ गए मेरी बात? हाँ सर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एकदम शुद्ध हिंदी में भी लिख देता हूँ, चलो छोड़ो समझ गए तो फिर क्या मतलब, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन से हो सके तुम्हें ज्यादा समझ आए। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ई नॉट सेल
which is made by using following electrodes. मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की शीट भेज दिया क्या? नहीं सर। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट ई नॉट सेल विच इज मेड बाय यूजिंग फॉलोइंग इलेक्ट्रोड, है ना? एक इलेक्ट्रोड तो ये है Mn2 प्लस से MnO4 माइनस माइनस 1.51 वोल्ट। एक इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वैल्यू है ना सर ये दोनों की? हाँ, ई के ऊपर नॉट लगा रखा है मतलब वो स्टैंडर्ड वैल्यू ही होता है। अगर ई के ऊपर नॉट लगा है मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके सर। तुम्हें हार्ड कॉपी मिला है इसका? हार्ड कॉपी नहीं सर। ठीक है, सर 1.59 है क्या सर आंसर? तू को एक सेकंड बताता हूँ। क्या है आंसर? 1.59 कैसे आ सकता है? 0.8 है ये। कैलकुलेशन ढंग से कर। 0.7 देखो, हमें इस बार कैथोड कौन है एनोड कौन है वो नहीं दिए, डायरेक्ट ई नॉट सेल पूछा, तो हमें कैथोड एनोड का पहचान भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखें? सबसे पहले तो इनको एसआरपी डेटा में कन्वर्ट करें। तो एक तो इसका एसआरपी लिखेंगे तो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि Mn प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है, तो ये 1.51 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही ई नॉट Ag प्लस Ag लिखना पड़ेगा 0.8 वोल्ट। ये सारे डेटा दोनों क्या है? एसआरपी डेटा। ठीक है, अब E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट सेल होता है एसआरपी ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन है और एनोड कौन है? कैथोड 1.51 वोल्ट कैथोड, कैथोड 1.51 वाला है, जिसका डेटा कम होता है एसआरपी वो एनोड होता है 0.8। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.71 वोल्ट। समझ में आई है कहानी या नहीं आ रही है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ
फॉलोइंग सेल, हमारे को सेल की फिजिबिलिटी बतानी कि सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्या है एजी प्लस सॉलिड, कैसे हो सकता है ये एजी सॉलिड है जो एजी प्लस में कन्वर्ट हो गया है एक्वस, देन दो वर्टिकल एरोस, देन कॉपर टू प्लस एक्वस है वो कॉपर सॉलिड में चला गया है, ऐसा है। और हमको वैल्यूज भी कुछ वैल्यूज गिवन है, क्या एक तो वैल्यू गिवन है ई नॉट कॉपर टू प्लस से कॉपर, और एक ई नॉट ए जी से ए जी प्लस, ये दे रखा है 0.34 वोल्ट और ये दे रखा है माइनस में 0.8 वोल्ट। हाँ अब मुझे बताओ सेल फिजिबल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा कैसे? देखो हमारे को क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, क्या पहला तरीका देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, है ना, फिजिबल और नॉट फिजिबल की बात तो बाद में आएगी, पहले मैं क्वेश्चन पूछने का तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन पूछने का पहला तरीका तो ये जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया उसमें डायरेक्ट ई नॉट की वैल्यू दे दी जाती है और ई सेल हमसे पूछ लिया जाता है, तो उसमें हम लोग कैथोड और एनोड अपनी तरफ से डिसाइड करते और ऐसे डिसाइड करते हैं कि सेल मेरा फिजिबल हो। दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो हमें कैथोड और एनोड डिसाइड नहीं करने का भी, हमें हमेशा यही मानना है जो इस साइड लिखा है वो कैथोड है और जो इस साइड लिखा है वो एनोड है, हमें कुछ भी नहीं डिसाइड करना, कैथोड और एनोड हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये डेटा तो एसआरपी में ही गिवन था, ये डेटा एसओपी में गिवन है, तो इसको भी एसआरपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एसआरपी में क्या होगा, ये Ag प्लस से Ag 0.8 वोल्ट, तो ये भी अब मेरा एसआरपी में आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, ई नॉट सेल, है ना, ई नॉट सेल क्या होगा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अब देखो क्या है, अगर हमको सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो हमें कैथोड एनोड के लिए सोचना नहीं है, तो एसआरपी ऑफ कैथोड, कैथोड पर कौन था, कैथोड पर कौन था 0.34 कॉपर माइनस 0.8, एसआरपी डेटा प्लस में है तो माइनस 0.8, तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हाँ सर बोलो, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल, ठीक है। तो हमारा मतलब क्या है, जब हमें सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन हो तो हमें कैथोड एनोड डिसाइड नहीं करने, सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही हमें मानना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आईयूपीएसी, आईयूपीएसी मतलब जो हमने पढ़ा है वो आईयूपीएसी ही था, सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ठीक है। सेल रिएक्शन क्या है, सेल रिएक्शन है 2Ag प्लस एक्वस H2 गैस से रिएक्शन कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2Ag सॉलिड और 2H प्लस एक्वस में। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो क्या होगा, सर
जीत, पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाओ भाई, बाद में कर लेना बातें बातें, पूरा मौका मिलेगा बातें करने का जीवन में बाद में। सर H प्लस वाला सर एनोड में आएगा, H2 से H प्लस। अब वो कोई कहाँ आएगा वो मुझे नहीं पता, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो बोल के बताओ। सर सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में सर H2 गैस से 2H प्लस का है लिखना है। ये 2H प्लस नहीं लिखते, सिंपल H प्लस लिखते हम लोग, ठीक है। फिर सॉल्ट ब्रिज के राइट में Ag प्लस से Ag सॉल्ट, ठीक है। तो देखो हम लोग अगर यहाँ पर बात करें, हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो क्या हो रहा है, जो मेरा Ag प्लस से Ag में जा रहा है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और H2 प्लस से H प्लस में जा रहा है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमारा सॉल्ट ब्रिज बना ऑक्सीडेशन, गैस किसमें जा रहा है, H प्लस में, किसमें जा रहा है, सॉलिड में। आप चलिए अब हम लोग लिखते हैं डाल के कुछ इम्पोर्टेंट। पॉइंट नंबर वन, पढ़ा होगा तो मेटल व्हिच इज हायर इन द सीरीज, व्हिच इज हायर इन सीरीज